है मैं फिट एंड ब्यूटीफुल पीपल वेलकम टू माई चैनल एंड आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट आई एम कंचन राय और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे हम अपने स्किन को इस विंटर में बचा सकते हैं क्योंकि अब विंटर्स आ चुकी है तो so सबसे बड़ी जो दिक्कत और मेन प्रॉब्लम इशू जो हमें फेस करनी पड़ रही है वो हमारे फेस को ही है तो वो जो प्रॉब्लम हम फेस करें अपने फेस में वो ये है कि वो बहुत ज़्यादा डल ड्राई एंड बहुत ही अभी पैची हो जा रही है और स्पेशली हमारे अभी ओकेशन्स आ रहे हैं शादी फंक्शंस वगैरह होते हैं तो उसमें हम लोग कोई भी मेकअप करते हैं, तो स्किन बहुत ही ज़्यादा डार्क एंड पैची नज़र आता है हम कुछ भी अपने फेस में लगाते हैं तो हमें सोचना पड़ता है कि वो हमारे फेस में कैसे रिएक्ट करने वाला है मतलब कि वो हमें हेल्दी नहीं नज़र आता लाइक like अभी हेल्दी नज़र आ रहा होगा फेस बट स्टिल मेरा भी फेस जैसे विंटर स्टार्ट हुआ था फेसिंग द सेम सिचुएशन तो जहाँ पर मेरे फेस में कोई मेकअप में लगाती थी एंड वाइट सा कहीं पे ब्लैक सा नज़र यहाँ पे आ रहा है यहाँ पे कहीं पे ब्लैक आ रहा है मतलब कि कुछ ग्लो नहीं था जैसे कि समर्स में रहता है ना वैसा नहीं है चाहे आपका स्किन ड्राई uh, है चाहे आपका ऑयली है जैसा भी है बट विंटर्स ऐसा टाइम है जहाँ पे हमारे स्किन को ड्राइनेस फेस करना ही पड़ता है तो इसीलिए आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा रेमेडी है जो कि बहुत ही ज़्यादा नेचुरल है जो मैंने खुद ही इन्वेंट uh, किया हुआ है और मैं खुद ट्राई करती हूँ टेस्टेड है दैट्स वह मैं आप लोगों को बता रही हूँ और वो हंड्रेड परसेंट वर्क करता है पहले यूज़ से ही आपको उसका रिज़ल्ट देखने को मिलेगा जी हाँ बहुत बहुत ज़्यादा असरदार है और इतना ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट है कि आपको विंटर हो या फिर समर हो आप उसको छोड़ नहीं पाएंगे सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट आपको लेना है आज वो मैं आप लोगों को शो कर देती हूँ एंड बहुत ही ज़्यादा यूनिक से और बहुत ही ज़्यादा नेचुरल हैं सारी की सारी चीज़ें जो कि इस मैंने ट्रे में रखे हुए तो इस ट्रे में मैंने रखे हुए हैं एंड आप देख सकते हैं कि मैं, मैं एक एक, एक करके शो करती हूँ फर्स्ट इज़ दिस यहाँ पे जो ये इस टाइप का है बॉटल इसमें मैंने स्टोर किया हुआ है राइस वन स्पून राइस उसमें मैंने वाटर डाल के इसको स्टोर किया है क्योंकि इसको वन आवर तक या फिर दो आवर तक आपको ऐसे ही छोड़ देना है हमें राइस वाटर का रिक्वायरमेंट है क्योंकि तो इस टाइप से आपको स्टोर करना है एक स्पून राइस एंड सेकेंड ऐसे आपको एक दो घंटे तक इसको छोड़ना है दूसरी चीज जो हमें यहाँ पे चाहिए वो है ये जॉनसन्स बेबी सोप बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट माइल्ड और सॉफ्ट होता है इसमें विटामिन ई e भी प्रेजेंट है हमारे स्किन को ड्राइनेस बिल्कुल नहीं होने देगा ठीक है ये हमें चाहिए तो अगर आपके पास जॉनसन्स बेबी सोप प्रेजेंट नहीं है घर में तो आप इसके जगह यूज़ कर सकते हैं प्योर्स जो सोप होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं वो ही माइल्ड रहता है या फिर आप डव का ये सोप भी यूज़ कर सकते हैं स्किन को माइल्ड करता है और क्लिनजिंग एजेंट की तरह यहाँ पे ये यूज़ हो और एक और चीज़ यहाँ पे आपको यूज़ करनी है वो है फ़ेस वॉश आप कोई भी फ़ेस वॉश ले रहे हैं अपना फ़ेस वॉश करने के लिए वही आप यूज़ करेंगे को यहाँ पे मैंने लिया है जॉनसन्स बेबी का ऑयल ओके okay. तो आप जॉनसंस बेबी ऑयल ले सकते हैं इसमें विटामिन ई e है आपके स्किन को बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चराइज में विटामिन ई e भी प्रेजेंट है और बहुत ही बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है ये ठीक है और अगर आपके पास जॉनसन बेबी ऑयल नहीं प्रेजेंट है तो डोंट वरी आपके पास बादाम तेल प्रेजेंट होगा ठीक है बादाम रोगन ये है रोगन बादाम तेल तो ये वाला भी अगर प्रेजेंट है इसे हंड्रेड प्योर बादाम तेल है ये भी यूज़ कर सकते हैं ठीक है थेके? और अगर और साथ में आपको लेने हैं ऐसे एक पोटैटो ठीक है और एक लेमन वैसे आपको पूरा एक नहीं चाहिए मैं आगे आप बताऊंगी कैसे यूज़ करना है तो ये रहे इंग्रेडिएंट्स टोटल ओवरऑल इंग्रेडिएंट्स आपने देखे ये सारे हैं आपको क्या करना है सबसे पहला काम करना है कि जब भी आपको ये अप्लाई करना है आपको राइस एक स्पून राइस को इस टाइप से जार में पानी डाल के स्टोर कर देना है एक से दो घंटे तक छोड़ना है क्योंकि हमें चाहिए स्टार्च वाटर स्टार्ची वाटर चाहिए ठीक है वन से टू आर में हमें जो वाटर मिलेगा वो स्टार्ची होगा एंड वी ऑल नो राइस वाटर का जो इंपॉर्टेंस है हमारे स्किन हो हेयर हो कुछ भी हो उसमें बहुत ही ज़्यादा हंड्रेड परसेंट वर्क करने वाला रिज़ल्ट होता है क्योंकि आपको मैंने दिखाया कि हेयर ग्रोथ में जो इसने रिज़ल्ट शो किया है वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव और बहुत ही ज़्यादा रियल है तो चलो अब बहुत सारी बातें हो गई इन्ग्रीडियंट के बारे में भी मैंने सब समझा दिया लेट सी कि इसको प्रिपेयर कैसे करेंगे इस रेसिपी को बनानी कैसे है एंड लगानी कब कब है तो बेसिकली हमें ये सारे इन्ग्रीडियंट चाहिए अभी ठीक है ये भी चाहिए क्योंकि अभी हमें इसे वो कट करना है ग्रेट करना है तो यस अभी मैं सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ सोप से तो सोप को ओपन कर लेते हैं मैं यहाँ पे जॉनसन पे भी सोप ले रही हूँ क्योंकि मुझे यही बेस्ट लगता है अपने स्किन के लिए अगर हमें चाहिए तो तो बहुत ही प्यारी सी स्मेल रहती है इसकी एंड यस यहाँ पे मैं इसको ग्रेट करूँगी एंड यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ग्रेट करके बाउल में इस टाइप से Oops. <laughs> one, two, three, four, five, six, seven. बहुत ही सॉफ्टली कट हो जा रहा है बहुत सॉफ्ट है इससे स्किन भी बहुत सॉफ्ट हो जाता है ये हमारी स्किन को क्लिंस करेगा मेनली हमारे स्किन में जो भी इंप्यूरिटी और डर्ट होता है ना हैवी मेकअप के थ्रू या फिर बाहर पॉल्यूशन के थ्रू उन सबको क्लेंस करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है तो यू कैन सी इतना यहाँ पे मैंने ग्रेट किया है सोप को इतना आई थिंक इनफ है ओके okay? अब हमें क्या करना है राइज़ वाटर इसको जो रखे हुए वन से टू आर हो गया है मेरा और अब मैं इसको इसमें पोर करने जा रही हूँ ज़्यादा नहीं हमें थोड़ा सा ही लेना है और हम सब जानते हैं कि राइस वाटर कितना ज़्यादा यूज़फुल है एसेंशियल है हमारे स्किन और हेयर के लिए हमारे ओपन पोर्स को क्लोज़ कर देगा हमारे स्किन को टाइट करेगा और साथ ही साथ हमारे स्किन को फेयर भी करेगा ठीक है तो मैंने इतना सा जस्ट लिया है वन स्पून अभी आगे ज़रूरत पड़ेगा तो मैं और डालूँगी अभी जस्ट मैं इतना डाल रही हूँ वन एक और डाल लेते हैं ओके ठीक है इतना इनफ है ज़्यादा लिक्विडी ना हो और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे ये फेस वॉश जो है ना वो भी डाल रही हूँ आप कोई भी फेस वॉश यूज़ करते हो वो आप डाल सकते हो और ज़्यादा नहीं एकदम स्पून में डाल के दिखाती हूँ मैं आपको ये मेरी चारकोल वाला है तो ये स्किन को बहुत डीप क्लिंस करेगा यू कैन सी और थोड़ा सा ज़रूरत पड़ेगा तो यस बस इतना सा ठीक है इतना सा फ़ेस वॉश मैं इसमें डाल रही हूँ यस डन ठीक है अब इसको मैं क्लोज़ कर देती हूँ नहीं तो गिर जाएगा ऑयल के लिए मैंने आपको बताया या तो आप यूज़ कर लो ये बादाम वाला ये बादाम वाला तेल या तो जॉनसन बेबी मैं यहाँ पे जॉनसन बेबी ऑयल ही यूज़ कर रही हूँ बहुत ही ज़्यादा माइल्ड सा है तो हमारी स्किन के लिए वही ज़्यादा सही रहेगा जो माइल्ड रहे यस तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ फ्यू ड्रॉप्स जैसे कि थ्री फोर ड्रॉप्स आप डाल सकते हैं वन टू थ्री फोर ओके फोर मैंने ड्रॉप्स डाल दिए हमारे स्किन को मॉइस्चराइज़ करेगा साथ में मैं थोड़ा सा बादाम तेल भी डाल रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा एडिक्ट हूँ बादाम तेल की बहुत ज़्यादा एकदम थोड़ा सा डाल रही हूँ मुझे बादाम तेल बहुत पसंद है विंटर्स में गाइस बहुत अच्छा है स्किन के लिए मॉइस्चराइज करके रखेगा आपको कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी और चीज़ की तो ये हो गया सारी इंग्रेडिएंट डाले हमने अब हमें डालना है अन्य ये अनियन बोल रही हूँ मैं इसको लेमन तो लेमन को कट कर रही हूँ मैं यार कट क्यों नहीं हो रहा यस हो गया लेमन हमारी स्किन टोन को लाइट करने में हेल्प करेगा तो यहाँ पे मैं स्क्वीज़ कर लेती हूँ वन स्पून या फिर आप ऐसे ही डायरेक्ट कर लो स्क्वीज़ कर रही हूँ एंड बहुत ही ज़्यादा लेमन जूस इसका भी निकल रहा है ज़्यादा लिक्विड ही ना हो जाए अगर लिक्विड ही होगा तो मैं और भी ज़्यादा इसमें सोप को कट करके डालूँगी एंड डोंट वरी एट ऑल इसको आप स्टोर भी कर सकते हो और इसको लाइक वन डे में थ्री फोर टाइम्स भी अप्लाई कर सकते हो ठीक है तो इस स्टेप्स मैंने डाला अच्छे से पूरा डाल दो लेमन जूस इसको फेंकना नहीं है इसका काम आएगा आगे ठीक है क्या काम आएगा मैं बताऊंगी इसको ऐसे रख ले अभी पोटैटो का काम नहीं है इसका काम बाद में है तो अभी जितने इन्ग्रीडियंट थे उसका काम हो चुका है अब मैं स्पून ले रही हूँ स्पून की हेल्प से यू कैन सी इसको मैं मिक्स करूँगी ठीक है मिक्स करना है ताकि क्रीमी टेक्सचर हो जाए यू नो लाइक फेस में हम अप्लाई कर पाए वैसे तो इसको आ, मिक्स करेंगे थोड़ा सा हम लोग एक दो मिनट तक ट्राई करते हैं कि हो जाए से आपका फेस बहुत ही ज़्यादा डीप लिंज होने वाला है ट्रस्ट में गाइज आपकी स्किन में अगर कोई भी दिक्कत है लाइक डल स्किन होने की विंटर्स के कारण हमारी स्किन डल हो जाती है क्योंकि हम अपने स्किन को अपने स्किन को अपने फेस को वॉश ही नहीं करते हैं ठंड के कारण बहुत रेयर वॉश करते हैं और केयर भी नहीं करते तो स्किन हमारी डल हो जाती है ब्लैक हो जाती है और दैट्स वाई फिर उसके बाद ना हम कुछ भी अप्लाई करते हैं उसमें तो उस डल स्किन में वो ब्लैकिश पैचेस सा नज़र आता है और साथ में बहुत ही ड्राई भी लगता है है. तो ये जो मैं आपको रेमेडी रेसिपी बता रही हूँ बहुत ही ज़्यादा असरदार है अगर आपकी स्किन में ऐसी कोई भी दिक्कत है कि अगर आपकी स्किन डल हो गई है ब्लैकिश नजर आ रही है कहीं से कहीं से वाइट है आप कोई भी मेकअप लगा रहे हो तो तो भी बहुत ही बकवा मतलब कि बहुत ही गंदा लग रहा है मेकअप नहीं सूट कर रहा है तो आपको अपने मेकअप चेंज करने की दिक्कत नहीं है मतलब तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप मेकअप चेंज करो कोई महंगे से प्रोडक्ट खरीदो आपको जस्ट ये चीज़ अप्लाई कर लेनी है ठीक है आपको अगर कोई भी इंग्रेडिएंट लग रही है कि नहीं प्रेजेंट है डोंट वरी वो चीज़ आप हटा ले ठीक है एंड यस वन मोर थिंग जो मैं बताना भूल गई एकदम से मुझे याद आया मिक्स करते वक्त कि जब हमारी स्किन ड्राई रहती है विंटर्स के टाइम में अगर आपकी स्किन में बहुत सारी दिक्कतें हैं कि वो ड्राई रहती है पैची रहती है तो उसका सॉल्यूशन उसका सॉल्यूशन है कि आप अपने कुछ भी है ठीक है या तो फ़ेस वॉश कर रहे हो नॉर्मल वाटर से ही कर रहे हो या फिर किसी भी चीज़ से कर रहे हो ठीक है उसमें ये चीज़ ज़रूर ऐड करें ये ग्लिसरीन है और ग्लिसरीन का ब्रांड अच्छा लेना ठीक है थोड़ा सा महंगा लेना बट अच्छा लेना क्योंकि वैसे तो ग्लिसरीन सस्ते सस्ते भी मिल जाते हैं बट उनकी क्वालिटी बिल्कुल नहीं रहती है फेस में वो पिम्पल्स कर देते हैं ग्लिसरीन अच्छे क्वालिटी का हो तो आपका स्किन बहुत ही स्मूथ बेबी सॉफ्ट और बहुत ही शाइनी और ग्लास टाइप हो जाता है यस yes, ये विंटर्स के लिए एकदम रामबान इलाज है कुछ भी चीज़ हो उसमें ये चीज़ डालना मत भूलना अप्लाई करोगे बहुत ही अच्छा स्किन हो जाएगा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कोई भी मॉइस्चराइज़र लगाने की ट्रस्ट गाइस मैं इस अपने मिक्सचर में जो मैंने मिक्स किया है अभी यू कैन सी मिक्स करते करते फाइव मिनट लगे क्योंकि उस जो सोप के जो पीसेस थे वो थोड़े से लाइक मोटे मोटे थे तो फिर उसको मिलाने में टाइम लगा यू you नो know? तो इस टाइप का क्रीमी टेक्स्चर तो हो गया है एंड स्मेल ट्रस्ट ट्रस्मिंग बहुत ही ज़्यादा मस्त है इसमें मैं अब ऐड करने जा रही हूँ ग्लिसरीन के टू थ्री ड्रॉप्स वन टू थ्री अब ज़्यादा भी कर सकते हो ग्लिसरीन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है हमारी स्किन के लिए ठीक है तो मैंने ग्लिसरीन भी अब ऐड कर दिया है और हमारी स्किन बहुत ही ज़्यादा अब रेडी है हमारी स्किन रेडी है अब स्मूथ सॉफ्ट एंड ग्लोई लाइट स्किन होने के लिए सॉफ्ट होने के लिए बेबी सॉफ्ट के लिए एकदम रेडी है तो अब ऑलमोस्ट क्रीमी टेक्सचर बन चुका है यू कैन सी वा सो एज लाइक दिस ऐसा ही कंसिस्टेंसी आपको रखना है एंड सो फाइनली हमारा ये पेस्ट रेडी हो चुका है और इसका पेस्ट बहुत ही ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा लाइट है और ना बहुत ज़्यादा थिक है यू कैन सी क्रीमी कंसिस्टेंसी होती है ना जस्ट लाइक दैट वैसी क्रीमी कंसिस्टेंसी है आपको भी वैसी ही रखनी है ठीक है अब मैं क्या करूँगी अब मैं अपने फेस में इसको अप्लाई करूँगी एंड आप लोगों को ये करना है कि अगर आप इसको ट्राई कर रहे हो तो आप लोग को अपने बिफ़ोर की पिक्चर क्लिक कर लेनी है सो so डैट कि आपको जब डिफरेंस दिखे ना लगाने के अप्लाई करने के बाद तो आपको पता चले कि सच में वर्क करता है और आप लोग रिव्यू भी ज़रूर देना आप लोग ने जैसे मेरा आटा फेस पैक का रिव्यू दिया था बहुत बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लगा था आप सब लोगों का रिव्यू बहुत अच्छा था मैंने देखे हैं मैं फोटोज़ लगाती हूँ साथ में कम्यूनिटी पोस्ट में भी लगा दूंगी आप लोग देख लेना तो इसका भी वैसे ही मुझे चाहिए आप लोग का रिव्यू ओके सो वैसे आप बिफ़ोर आफ्टर की फ़ोटो क्लिक कर लेना तो फर्स्ट अब मैं इसको अप्लाई करने जा रही हूँ अपने फेस में एंड इस टाइप से आपको प्रिपेयर करना है हर बार जब भी आपको अपने फेस फील होगी या फिर फ़ील भी ना आपको डेली आपको ये चीज़ करना है जब भी आप फेस वॉश करते हो ना इस टाइप से आपको प्रिपेयर कर लेना है एक दिन के लिए आप प्रिपेयर करके पूरा रख सकते हैं फ्रिज वगैरह में उसको स्टोर करके एंड इसको लगा सकते हैं एंड देन नेक्स्ट डे दे आप फिर से बना के रख लीजिए इसी टाइप से ठीक है अगर आपके पास कोई भी इंग्रेडिएंट अवेलेबल नहीं है इसमें से तो डोंट वरी आप उसको हटा दीजिए बाकी कोई भी चीज़ प्रेजेंट है अगर ऑयल की आपको लग रही है टेंशन कि आपके पास पास ना जॉनसन बेबी ऑयल है और ना आपके पास ये बादाम रोगन भी नहीं है तो आप क्या यूज़ करेंगे तो फिर आप यूज़ कर सकते हैं कोकोनट ऑयल कोकोनट ऑयल बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है साथ में अगर आपके फेस में ये दिक्कत है कि एक्नी पिंपल, एक्नी प्रॉन्स स्किन है बहुत ही ज़्यादा एक्नीज़ होते हैं तो आप नीम तेल नीम तेल के थोड़े से ड्रॉप्स डाल सकते हैं उससे ना बैक्टीरिया फंगल जो भी ग्रोथ होते हैं ना स्किन में वो डेड हो जाते हैं ठीक है वो सब डेड स्किन वगैरह निकल जाती हैं बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी हेयर के लिए भी बहुत अच्छा होता है एंड स्किन के लिए भी तो इस टाइप से लगाया है बस मैंने अभी अप्लाई किया अभी ख़त्म नहीं हुआ है जो मैंने बताया था पोटैटो का स्टेप आएगा एंड में वही तो अब मैं पोटैटो को जस्ट सिंपली कट कर रही हूँ इस टाइप से कट कर लेना है पोटैटो को एंड पोटैटो को कट करने के बाद आपको ड्रब करनी है अपने फेस में ठीक है हम सब जानते हैं पोटैटो हमारे फ़ेस के स्कार्स को रिमूव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा बहुत बहुत ज़्यादा वेल नोन है तो यहाँ पे वही काम आएगा कि अगर आपके फ़ेस में कोई स्कार्स भी है ना तो यहाँ पे आपकी स्किन को स्मूद और फिर लाइट टोन करने के साथ साथ तो वो स्कार्स को भी रिमूव करेगा यू नो लाइक कि यहाँ पर आपकी हर दिक्कत मतलब सारी दिक्कत जितनी भी फेस रिलेटेड दिक्कत है मुझे लगता है कि मेजोरिटी ऑफ पीपल को जो भी दिक्कतें होती है ना वो सब इसको कवर ही कर रहा है मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल ये इसको ट्राई कर सकते हैं बहुत ही ज़्यादा नेचुरल सा रेमेडी है और आपकी स्किन को ब्राइटर लाइटर स्मूदर एंड स्कार फ्री करने में बहुत हेल्पफुल है डल स्किन को भी सॉल्व करता है क्योंकि इसमें जो हमने ऐड एड किए हैं वो बहुत हेल्पफुल है साथ में विंटर्स में आपकी स्किन कुछ भी से आपको लगेगा सोप है तो ड्राई हो जाएगा फेस वॉश है तो ड्राई हो जाएगा सब कुछ नहीं होगा ये जो सोप यूज़ किया है ना वो ऑलरेडी जॉनसन्स बेबी का है जो कि ऑलरेडी माइल्ड और स्मूद रहता है उसमें खुद विटामिन ई और ऐसे ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि स्किन को मॉइस्चराइज रखते हैं ठीक है हैवी से हैवी मेकअप रिमूव करने के <laughs> लिए ये उड़ के कहाँ पे गया बाउल में ही गया सो एक्चुअली ये याद दिला रहा था कि अब इसको ज़रूरत है और भी तो ऐसे ही आपको लेना है इसी टाइप से बाउल में डालना है एंड पैक को इस टाइप से क्रीम को अप्लाई करना है अपने फेस में इसको आपको रब करना है टेन मिनट से लेके फिफ्टीन मिनट्स तक यहाँ पे जो सबसे मज़ेदार सा इंग्रेडिएंट मुझे लगता है ना वो यहाँ पे दो चीज़ है एक तो दिस ग्लिसरीन जो कि एकदम मेरा मेरे एकदम मैं जानती हूँ ग्लिसरीन के क्या फ़ायदे होते हैं भाई मैंने उसको हाथ में भी अप्लाई किया है अपने फेस में भी अप्लाई किया है इवन मैं बहुत एक्सपेरिमेंटल इंसान हूँ और बचपन से बहुत एक्सपेरिमेंट करके देख चुकी हूँ इवन तो मैं एक चीज़ बताती हूँ मैंने ग्लिसरीन का इतने फायदे देखे ना हेंड तो मैंने चलो हेयर में भी अप्लाई करो हेयर में कभी अप्लाई मत करना भाई मैंने अप्लाई करके देख चुका है ग्लिसरीन हेयर में अप्लाई करोगे बाल एकदम जलने टाइप का हो जाएगा एकदम रफ और एकदम मतलब अजीब हो जाएगा यार ग्लिसरीन सिर्फ फेस और हैंड्स के लिए होता है मैंने गलती से ना मैंने क्या बताऊँ मैं बहुत एक्सपेरिमेंट करती हूँ यार मतलब बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट लोग डरते हो ना कि हाँ ये अप्लाई कर लिया तो क्या वो वो मैं भाई बेझक हर चीज़ ट्राई कर लेती हूँ दैट्स वाई रीजन कि मुझे इतने सारे रेमेडीज पता है ना कि ये करोगे तो वो हो जाएगा वो करोगे तो वो हो जाएगा ग्लिसरीन कभी हेयर में मत ट्राई करना और आपको शायद वीडियोज मिल जाए कि ट्राई कर लो तो ये एकदम जला हुआ रफ ड्राई कर देगा हेयर को ठीक है इसके बाद यहाँ पे दूसरी चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है वो ये है राइस वाटर जिसका मतलब रिजल्ट वाह वाह होता है मैंने दिखाया ही चाहे आप बाल में लगाओ या फेस में लगाओ एंड ये तो बहुत जल्दी मैं राइज़ वाटर क्रीम भी बनाने वाली हूँ क्योंकि मुझे देखना है उसका फेस में भी इफेक्ट क्या होता है राइस वाटर तो मैंने देखे हैं इसमें लगा के ठीक है इस टाइप से करना है हैंड से रब नहीं करना है मैं भूल गई मैं हैंड से करने लगी बात करते करते आपको पोटैटो से ही रब करना है तो क्योंकि पोटैटो स्कार्स को रिमूव करने में हेल्प करता है ऐसे करते करते मेरे लगता है कि दस मिनट हो ही गए होंगे तो ऐसे आपको दस मिनट तक करते रहना है ना अब मैं जाके वॉश कर लेती हूँ और बचे हुए को आप स्टोर कर लीजिए एंड एनी टाइम एनी अदर टाइम आपको फ़ील हुआ कि आपको वॉश करना है फेस जब भी आप करते हो तो उस टाइम को वॉश कर लेना है मैं भी चाहती हूँ अपने फेस को वॉश करके आपको रिव्यू देती एंड यस yes, एक और एक और एक और चीज़ यहाँ पे जो मैंने बताया था ना कि लेमन आपको फेंकना नहीं है मैं भूल ही गई बताना तो आपको क्या करना है ये लेमन लेना है जैसे आपने पोटैटो को रब किया वैसे ही इस क्रीम में डिप करके लेमन को आपको अपने फेस में रब करना है अब मैं जाती हूँ इसको वॉश कर लेती हूँ और मैं आप लोग को रिजल्ट शो करती हूँ ओके सो मैं अपने फेस को वॉश कर लिया है एंड कैन सी द नेचुरल ग्लो ऑन माई फेस बहुत ही सॉफ्ट लग रहा है ट्रस्ट मी और कोई भी स्कार्स और मार्क्स नज़र नहीं आ रहे हैं ऑल दो आई हैव लॉट्स ऑफ मार्क्स हियर हियर स्टिल आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा क्लीन लगता है इसको आप ट्राई करेंगे वन टाइम जस्ट एक बार में आपको उसका इफेक्ट दिखेगा एंड मैंने आपको सामने सामने अपना मेकअप उतार के वॉश करके वाइप करके दिखाया कि मेरे फेस में कुछ भी नहीं है ट्रस्ट मी गाइज कुछ भी नहीं है ठीक है मैं आपको वाइप से वाइप करके भी दिखा देती हूँ लाइव ताकि आपको एकदम ट्रस्ट हो जाए ओके सो दिस इज़ द वाइप वाइप मैं आपको वाइप करके दिखाती सी, नथिंग यू कैन सी नथिंग कुछ भी नहीं है मेरे फेस में मैंने जस्ट अभी अभी वॉश करके डायरेक्ट आपको दिखाया आप कहीं पे भी कुछ भी आपको नजर नहीं आएगा तो ये है ऐसा ये क्रीम है जो आपको अम, मुझे बोलना नहीं पड़ेगा अगर आप एक बार ट्राई करेंगे ना तो आप खुद आके मुझे रिव्यू देंगे तो मुझे पक्का पता है क्योंकि बहुत हद तक काम करता है नहीं लगा स्टिल यू कैन सी द इलास्टिसिटी ऑफ माई फेस एंड द यू कैन सी सॉफ्टनेस इतना ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है और इलास्टिसिटी आपको नजर आ रही है ऐसा लग रहा है कहीं से भी कि मैं विंटर्स के आ, सीजन में इस टाइप का फेस किसी का हो सकता है इतना ज़्यादा सॉफ्ट सा मी गाइस बहुत बहुत ज्यादा अमेजिंग था ये रेमिडी है मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया आपको ऑनेस्ट रिव्यू दिया है आप देख लीजिए कुछ भी अप्लाई नहीं, नहीं।, नहीं है लिक्विड महंगी ब्रशेस खरीदने की कोई भी जरूरत नहीं है जस्ट आपको अपनी स्किन केयर को चेंज करने की ज़रूरत है लाइक like अपने स्किन केयर में तो मैंने आज रेमेडी बताई है ये प्यारी सी रेमेडी रेसिपी उसको बस अपने लाइफ स्टाइल में ऐड करना है जब भी आप फेस वॉश कर रहे हो तभी आपको ये कर लेना है एंड यस uh, yes, अपने फेस में अब बार बार ना ग्लिसरीन को अप्लाई करते रहना है विंटर्स में इतना इतना ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलेगा कि आप खुद शॉक्ड हो जाओगे उसके रिजल्ट्स को देखिए ग्लासी ग्लोई फेयर स्किन Soft, skin आपको अगर आप आप इसको करते हैं definitely मुझे चाहिए लोग का चाहे आप इंस्टाग्राम में दो या फिर में दो या फिर आप यूट्यूब में हो तो यूट्यूब में भी दे सकते हो ट्राई कंचन क्रीम, क्रीम तो ये था विंटर का फेयर स्किन ग्लोई स्किन सॉफ्ट स्किन करने का एक रेमेडी आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड शेयर योर ट्रांसफॉर्मेशन टू माय इंस्टाग्राम फेसबुक पेज And on YouTube as well, if possible. And yes, my Instagram ID is dash 1 and my Facebook page is Kanchanrai. So that was all for today's video. Meet you in my next video. Then stay happy and stay healthy. Bye bye.